एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर मैं कैडेट कॉलेज गुलबन के तमाम इंतजामिया और बिलखसूस यहाँ के प्रिंसिपल साहब का को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी काविशों और कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इस टूर्नामेंट में 3 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है और नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद रखता हूँ हम भी इंशाल्लाह काविश और कोशिश करेंगे, आप भी कीजिएगा, इससे अच्छा करवाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और इस हवाले से थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर ये ज़रूर करूँगा कि थोड़ा सा जो ज़रा सा मतलब डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हुई है वो थोड़ा सा ताकि उस पर नेक्स्ट टाइम कंट्रोल हो सके, ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से किसी किस्म का भी जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो तो उस प्रोग्राम को मज़ीद अच्छा बनाया जा सकता है। सीसीबी के तमाम बच्चों को बेटा मैं तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने बहुत अच्छा खेला, तमाम बच्चों ने बहुत अच्छा खेला है। ग्रीनलैंड के बच्चे, चूँकि हम दोनों कॉलेजेस से छोटे वाले थे, इनके ज़्यादा बच्चे चूँकि ये 9th-10th वाले, तो इसलिए बेटा आपने भी बहुत अच्छा खेला है और हमारे बच्चों ने भी बहुत अच्छा खेला है, तमाम बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि सर ने ऑलरेडी बात कर ली है कि असल चीज़ जीतना नहीं है, असल चीज़ हारना है। कोई भी शख्स आज तक अगर आप किसी सक्सेसफुल शख्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो हारा हुआ शख्स ही कामयाब हुआ है, जो गिरता है वही उठता है। तो आपने इस चीज़ को दिल पर नहीं लेना कि हम हार गए तो वो जीत गए, नो प्रॉब्लम, उन्होंने एफर्ट आपसे ज़्यादा की है वो इसलिए दूसरी टीम जीत गई है, आपने एफर्ट कम की है इसलिए आप रनर अप रहे। तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप विनर होंगे और दूसरी टीम रनर अप रहेगी, जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना रिवार्ड मिलता है, ये कन्फर्म बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन हारने या जीतने से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ का होना एक दूसरे के दरमियान कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज़ करता है, एक दूसरे के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप्स को बढ़ाता है और सबसे बढ़ के इंशाल्लाह हम सीसीबी के साथ मैक्सिमम जो है वो तल्लुक बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह हम कभी आपको इन्वाइट करेंगे, आप तशरीफ लाएंगे, आप हमें इन्वाइट करेंगे, हम आपकी तरफ आएंगे, तो इसी तरह से जब चलेगा, तो चूँकि जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो नए नए आइडियाज़ शेयर होते हैं, नए नए ख्यालात शेयर होते हैं, वहाँ से लोगों को सीखने का मौका मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत खूबसूरत, बहुत पुरौनक और बड़ा प्यारा प्रोग्राम हुआ है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और एक दफ़ा फिर तमाम सीसीबी की जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, सर हैं स्पेशली माशाल्लाह मंजूर साहब, इनकी भी बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया, आपने हमें यहाँ बुलाया, रिस्पेक्ट दी, इसके लिए मैं तमाम टीचर्स जितने भी मेरे रिस्पेक्टेबल यहाँ टीचर्स खड़े उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं अपने असातिज़ा को बिलखसूस बुरान जमील साहब को और सर हमारे एजाज साहब चले गए, भाई साहब इनका भी बहुत हैं, सर सदाकत साहब, तो इन तमाम असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आप पर मेहनत की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सर हम इससे पावरफुल टीम भी लाएंगे और अच्छा खेलेंगे। बहुत शुक्रिया।